हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट एप्लीकेशन एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कंपटीटिव क्लासेस। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो हमने देखा था नवंबर लास्ट का, आज हम स्टार्ट करेंगे दिसंबर फर्स्ट वीक का, यानी 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक। तो फ्रेंड्स ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि कंधामल हल्दी जीआई टैग होगा। एक आजकल जीआई टैग आपको न्यूज़ में सुनने मिला होगा, ये होता है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, इसे बोलते हैं हम ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत एक एक्ट रहता है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इसमें क्या है कि यदि आप किसी विशिष्ट उत्पाद को उस जगह उगा रहे हो, अगर आपको आपका जीआई टैग मिल गया, जैसे पश्चिम बंगाल रसगुल्ला के लिए फेमस, या आपकी जो सी जगह जीआई टैग के अंतर्गत फेमस होती है, तो आप उस जगह को सिर्फ उस नाम से वहीं ही बेच सकते हो, उसका कोई स्केलिंग नहीं होगी। यदि मान लो उस नाम से कहीं कोई और बेच रहा है, तो इसे क्या है, तो एक नया जीआई टैग आया है कंधामल हल्दी के लिए। अब इस हल्दी में क्या है, एक हीलिंग गुण है, हीलिंग प्रॉपर्टी है, जैसे चोट या घाव बनने की अत्यंत तीक्ष्ण गुण पाए जा रहे हैं इसमें, इसी को हम क्या कह रहे हैं, कंधामल हल्दी। और ये किसका होगा, उड़ीसा का जीआई टैग बनेगा। अगला है कि नौसेना इतिहास का क्रॉनिकल लॉन्च किया गया, तो इसका नाम है ब्लू वाटर्स अहोय, ब्लू वाटर्स अहोय। इसमें क्या है, नौसेना का 2001 से 2010 तक का सारा इतिहास लिखा गया है, वेंकैया नायडू ने इसका उद्घाटन किया है। अगला देखें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी उस समय उपस्थित थे। बिग वर्ड सब हाल ही में चर्चा में रहा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि G7 29 Mark D2 होगा, और इस बार क्या है, G7 11। ये इसरो का है, भारत का एक सैटेलाइट है, जो कि इसरो की मदद से तथा फ्रेंच गुयाना स्टेशन से, फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका में स्थान है फ्रेंच गुयाना उस जगह पे, और फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका में, जबकि ये कंपनी जो एजेंसी है वो किसकी है, यूरोपीय यूनियन की, वहां से किया गया है। और इसका जो वाहन था उसका नाम है एरियन, उसका नाम क्या है, एरियन 5 करके उसका नाम है, ठीक है। और इसको भेजा है, इसके पीछे थोड़ी सी कहानी थी, भारत नेट प्रोजेक्ट था, भारत नेट प्रोजेक्ट, उसमें क्या था, 2.5 लाख गांव को इंटरनेट से जोड़ना था, तो बस उसी को देखते हुए क्या कर रहे हैं, G7 11 किया है इंटरनेट स्पीड की इंक्रीजिंग के लिए। अगला है, किस सरकार ने यातायात कार्ड 1 लॉन्च किया है, तो दिल्ली सरकार ने किया है, जिसमें आप क्या है, क्लस्टर बस होंगी, लोकल बस है, ट्रांसपोर्ट बस है, या DTC है, या मेट्रो है, 1 कार्ड, यानी 1 का 1 दिल्ली 1 राइड करके एक पॉलिसी है, 1 दिल्ली 1 राइड, और कार्ड का नाम क्या है, 1। इससे क्या है, कार्यो में क्या है, गतिशीलता, आपको टिकट के काउंटर पे नहीं लगना पड़ेगा, या बार बार आपको कैश पेमेंट से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगला है, भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज होगा, तो ये एक रेल रोड ब्रिज है, 25 दिसंबर को मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे, और बोगीबेल रेल ब्रिज अरुणाचल प्रदेश असम, साथ ही ये होगा, ये ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट और दक्षिणी तट को जोड़ेगा, साथ ही ये क्या करेगा, 4.94 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है, बोगीबेल रेल रोड ब्रिज। अगला है, मंगदेचू पावर प्रोजेक्ट। देखिए, अपने इंडिया में कई सारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, हाइडल पावर एनर्जी हम उन्हें बोलते हैं, जो जिनसे हम जल के द्वारा विद्युत उत्पादन करते हैं, साथ हमारे जो जल विद्युत परियोजना ही क्या कहलाती है, हाइडल एनर्जी। इसमें क्या है, एक मंगदेचू नाम से पावर प्रोजेक्ट है, ये है तो भूटान का, लेकिन इंडिया ने इसे बनाया है, किसकी मदद से, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल की मदद से बनाया है, जिससे इंडिया और भूटान के रिश्तों में क्या आई है, एक मजबूती आई है, तो ये कहां पे, भूटान में। अगला क्वेश्चन है, बेलन डी ओर 2018, ये क्या है, ये एक पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है, बेलन डी ओर 2018 किसका किताब जीता है, तो किसने जीता है, लुका मैट्रिक ने, क्या है, हरवाल जी की किताब, मतलब ये वाला जो किताब है लुका निबंधन, ये दो ही लोग जीता करते थे, लेकिन इस बार लुका मैट्रिक ने इसको जीत के एक नया इतिहास रचा है। अगला है, एलेंका अर्मेंस सेना प्रमुख है, कहां की, स्लोवेनिया की, जो स्लोवेनिया के यूरोपीय यूनियन का कंट्री है। इसमें क्या है, जो स्लोवेनिया की अगर बात करें, इसमें हर देश में जो सेना प्रमुख है वो कैसा है, वो पुरुष प्रधान है, या आपने इंडिया की बात करें बिपिन रावत है, या अलग अलग जगह अलग अलग है, लेकिन जो एलेंका अर्मेंस है वो
वो सेना प्रमुख है कहाँ की, स्लोवेनिया की, साथ ही स्लोवेनिया नाटो देश है, कैसा है, नाटो कंट्री है, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुई थी 1949 और मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में। और नाटो जो था उसमें क्या था, उससे जो अपन ने क्या था, यूएसएसआर, यूएसएसआर का अपोज करने के लिए अपन ने यूएसए प्लस ईयू ये एक हो गए थे, इसका अपोज करने के लिए था, बना था नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत चीन के मध्य हैंड इन हैंड, कई बार पेपर में पूछा गया कि हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है, तो ये क्या है, भारत और चीन के मध्य हुई है। इस बार जी चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत है चेंगदू उस शहर में आयोजित की गई है। अगला है कि सिन्यू मैत्री, एक बार जो नया नाम आया इस बार सिन्यू मैत्री, पहले क्या था मिलिट्री एक्सरसाइज काफी सारे थे, हरिमो शक्ति, सिम्बेक्स, क्लाइमेक्स, अब क्या है इस सिन्यू मैत्री आया है, ये किसके मध्य हुआ है, भारत और जापान के मध्य, और ये एयरफोर्स का है, किसका है, एयरफोर्स का, और ये कहा हुआ है, आगरा में हुआ है, क्या हुआ है, आगरा में। एक किया मोटर्स ने किस राज्य सरकार के साथ एमओयू यानी द्विपक्षीय समझौता किया है, तो वह आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने किया है। इसमें क्या है, किया मोटर्स एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है, ये क्या करती है अपनी, इसने अपनी तीन कारें उतारी है जो कि तीनों कैसी है, बैटरी से चलने वाली, तीनों के अलग अलग सेगमेंट है, कुछ हाइब्रिड है, कुछ बैटरी से चला लेते हैं और कुछ में थोड़े बदलाव करे हैं। अब इसने एक यूनिट उतारी थी एक अपनी कार की, और जो चंद्रबाबू नायडू है उन्होंने उसको ड्राइव करके देखा है, हो सकता है इससे हम कार्बन के उत्सर्जन को कम कर सके या पर्यावरण की स्वास्थ्य को सही करें। एक हॉर्नबिल महोत्सव 2018 कहाँ आयोजित हुआ, तो ये है नागालैंड, और हुआ कहाँ है, कोहिमा के पास एक किमासा करके गांव है, किमासा गांव है इसमें हुआ है, और इसका उद्देश्य था नागालैंड की जीवन संस्कृति को प्रदर्शित करना, नागालैंड की जीवन संस्कृति को प्रदर्शित करना, तो ये हॉर्नबिल। एक हुआ था आपको पिछली वीडियो में बताऊंगा, सांगई था वो एक लुप्त प्राय हिरण था, और जो हॉर्नबिल है एक चिड़िया होती है हॉर्नबिल। अगला है कोप इंडिया किसके मध्य अभ्यास हुआ, ये भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इस महीने क्या है साल के एंड में मिलिट्री एक्सरसाइजों की तादाद जो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ये कोप इंडिया किसके मध्य हुई है, इंडिया और यूएस की, ये हुई थी पश्चिम बंगाल के पानगढ़ में, कहां हुई, पश्चिम बंगाल के पानगढ़ में हुई। अगला है साहित्य अकादमी भाषा सम्मान मिला, किसे मिला है, जी वेंकटसुवैया, ये वेंकटसुवैया को क्लासिकल और मिडिवल लिटरेचर के लिए मिला है, प्लस ये लेक्सिकोग्राफर भी है लेक्सिकोग्राफर यानी जो लेक्सिकोग्राफर होते हैं डिक्शनरी में जो शब्द लिखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर। प्रसाद स्कीम संबंधित है तीर्थ यात्री कायाकल्प से, अब कह रहे प्रसाद स्कीम के तहत क्या है, जैसे मान लिया क्या है किसी राज्य में दो तीर्थ स्थल है, जैसे जम्मू कश्मीर में मान लिया वो वैष्णो देवी, उत्तराखंड में माना केदारनाथ बद्रीनाथ यमुनोत्री गंगोत्री, इनमें क्या है एक स्कीम चलाई, जैसे जिस जगह ज्यादा तीर्थ यात्री जाते हैं उस जगह का कायाकल्प के लिए यानी उसे रेल रोड एयर तीनों जगह से जोड़ना, उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं कि उसमें प्रत्येक यानी सतत विकास हो उसका पूरी तरीके से, एक सूक्ष्म जीव से लेके बड़ी तक क्या क्या होना चाहिए, हार्मफुल नहीं हो और ऐसा विकास हो प्रदूषण भी ना करे, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल विकास। तो उसके लिए ये स्कीम है, वर्तमान में 25 राज्यों में इस प्रसार स्कीम में 41 साइटें आ चुकी है, 41 साइटें हैं, और मध्य प्रदेश की है अमरकंटक और गंगोत्री यमुनोत्री को लेटेस्ट शामिल किया गया इस योजना में, और झारखंड का है पारसनाथ। अब लास्ट है कि भारत का पहला इंडिजीनियस फिल्म फेस्टिवल होगा, अब एक साथ आपने देखा होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में होगा, कोलकाता इंटरनेशनल या ऑस्कर अवार्ड है या फिल्म फेस्टिवल कैसे है, इंटरनेशनल होते हैं या फिर किसी देश के, अब क्या है पहली बार इंडिजीनियस यानी लोकल फिल्मों का भी क्या हुआ एक फेस्टिवल होगा, जो कब से आयोजित होगा फरवरी 2019 उड़ीसा में आयोजित होगा। ठीक है कि आयरन मैन का खिताब जीता है, तो इस बार जीता है रविजा सिंगल ने, रविजा सिंगल नासिक की रहने वाली हैं, इनके पिता पुलिस कमिश्नर हैं नासिक में, और इनके पिता ने भी फ्रांस का आयरन मैन खिताब जीता है, फ्रांस का आयरन मैन खिताब। इस आयरन मैन के खिताब में 4.2 किलोमीटर की क्या रहती है स्विमिंग, 42 किलोमीटर क्या रहता है रनिंग, और
और लास्ट पे जाता है आपका 180 किलोमीटर क्या रहता है साइकिलिंग, और ये सारे क्या करने रहते हैं 17 घंटे के अंदर पूरे करने रहते हैं। पिछली वीडियो में बताया था, तो इस बार किसने जीता है? रविजा सिंगल, और फ्रांस का जीता था इनके पिता ने। कौन सी सरकार छात्राओं को फ्री यूजी पीजी कोर्स कराएगी? तो कौन सरकार कौन सी है? कर्नाटक सरकार है जो क्या करा रही है इस बार, अपनी जो 12th बाद की जो लड़कियां हैं उन्हें क्या कराएगी? प्री ग्रेजुएशन का कोर्स कराएगी। अगला है कि इस बार हर साल मनाने वाला 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं, जिसकी थीम क्या थी? आने वाले पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये क्या है? नो योर स्टेटस, याद करना पड़ेगा। हाल ही में फ्रीडम ऑफ पेरिस पुरस्कार वापस ले लिया गया है, तो किसे ले लिया गया है? आंग सान सू की, ये भी चर्चा में रही थी। ये कौन थी? म्यांमार प्रमुख है। इन्होंने क्या किया था? रोहिंग्या को पलायन करा दिया था। उनसे ये पूछा था कि आप अपने 10 साल पहले का सबूत दिखाओ कि आप यहाँ के निवासी हो, तो इसकी वजह से इन्हें मिलिट्री एक्ट लगाया उस पे, जो रोहिंग्या क्या कर गए थे, पलायन कर गए थे, जो कि अभी चर्चा में रहा था। तो वो खुद से वापस लिया है आंग सान सू की से, इनसे काफी और भी पुरस्कार वापस ले लिए। ओके फ्रेंड, तो ये हमने देखा दिल भी क्या है, हम हर वीडियो में 20 क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्या है वीकली रहते हैं। इस बार दिसंबर का फर्स्ट वीक का हमने देखा 1 से 20 तक क्वेश्चन थे। आगे का इससे जो नेक्स्ट वीक आएगा उसका वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।